बिहार महापैक या कोई भी महापैक लेने के बाद आपको बहुत सारे वीडियोस दिखने लग जाते हैं। अब आप कंफ्यूज होते हैं कि इतने सारे वीडियोस हैं, मुझे तो सिर्फ इसी दो एग्ज़ाम की वीडियो चाहिए थी। उसका रीज़न है और इसका हम उपाय भी बताएंगे कि कैसे आपको उसी दो एग्ज़ाम की वीडियोस दिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिहार महापैक में हम कमिटमेंट करते हैं या किसी भी महापैक में कि हम जिस चीज़ का महापैक है हम सारे एग्ज़ाम को कैटर करेंगे, तो हम अपने कमिटमेंट के कारण सारे वीडियोज उस महापैक के अंदर देते हैं। लेकिन आपने महापैक अगर मान लो कि लिया है केवल बिहार एसएससी और बिहार पुलिस की तैयारी के लिए, तो उसमें बिहार बीएड का भी बैच दिख रहा है, डीएलएड का भी दिख रहा है, फायरमैन का भी दिख रहा है, तो आपको लगता है कि इतने सारे वीडियोज़ हैं केवल मेरे पास, मैं जिस एग्ज़ाम के लिए आया हूँ वही दिखता तो अच्छा रहता। तो उसका भी उपाय है। कैसे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन ओपन करेंगे, उसके बाद माई कंटेंट में जाएंगे। आपने जो महापैक लिया है वो दिख जाएगा। माई कंटेंट में गए, सपोज दैट आपने बिहार महापैक लिया है तो आपको दिख जाएगा बिहार महापैक। आप उस पर क्लिक करिए, फिर जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो राइट कॉर्नर पे आपको मैनेज एग्जाम दिख रहा है। मैनेज एग्जाम पे जाइए और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसके आपके वीडियोस दिखने चाहिए, लाइव क्लास दिखने चाहिए, सिर्फ उसी एग्जाम को क्लिक करके और आप डन कर दीजिए। इसके बाद क्या होगा, आप जब भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो सिर्फ उसी एग्जाम के लाइव क्लास वीडियोज वगैरह दिखेंगे और सबके उस समय नहीं दिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम बच जाएगा, सारे वीडियोज आपके पास आएंगे ही नहीं। हाँ, जब चाहे आप मैनेज एग्जाम में दोबारा जाके और सारे एग्जाम को भी सिलेक्ट करके डन करेंगे तो और भी एग्जाम दिखने लगेंगे आपको। तो कैसी लगी ये जानकारी जरूर बताइए और इसका फायदा उठाइए जितने भी महापैक वाले हैं। थैंक यू।